हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट वेलकम माय चैनल बटरफ्लाई स्टडी टुडे वी आर लर्न एट्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश यूनिट फोर चैप्टर वन पॉइंट फोर द वेट वार्मिंग अप वेट माने होता है जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसे वेट कहा जाता है चैट से हमारी शुरुआत होती है हर पाठ की चिट चैट यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना है वेयर डू यू वी फाइंड ऑल एनिमल डू यू हैव अ पेट क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट एनिमल आर नॉट फीलिंग वेल आप कैसे समझते हैं कि जानवर की तबीयत ठीक नहीं है उसे अच्छा नहीं लग रहा है हु गिव्स मेडिसिन ट्रीटमेंट टू सिक एनिमल्स आर बर्ड्स कौन इनको इनका ट्रीटमेंट करता है या दवा देता है जानवरों का और चिड़ियों को हाउ डू वी हेल्प एनिमल एंड बर्ड्स हम एनिमल और बर्ड्स की कैसे मदद कर सकते हैं अभी इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे वेयर डू वी फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स सभी प्रकार के प्राणी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका उत्तर है वी फाइंड वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट एंड जूज डोमेस्टिक एनिमल इन विलेज सिटीज़ एंड एकवेटिक एक्वेटिक माने जलचर animals in rivers and seas are oceans and bird and trees do you have a pet kya tumhare paas koi paltu prani hai yes i have a pet dog agar aapke paas cat hai ya koi bird hai to uska bhi yahan pe naam likh sakte hain how do we understand that animal are not feeling well प्राणियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या हमें कैसे ज्ञात होता है We understand that animals are not feeling well. From फ्राम द चेंजेस इन दियर बिहेवियरल पर्टर्न चेंज इन दियर ईटिंग हैबिट्स एंड inactivity, who gives medicines treatment to the sick animals and birds? बीमार पशुओं और पक्षियों को कौन दवाई देता है अथवा उपचार करता है दटरनेरियर एंड एनिमल्स डॉक्टर्स इसको बोलते हैं बेटेनेरियर एनिमल का जो जान, जानवर डॉक्टर होता है जानवरों का उसको बोलते हैं gives medicine treatment to the sick animals and birds. how should we help animals and birds? we should help animals and birds by treating them kindly. we should care for them and love them. we should feed them properly and provide them with all their needs. they treat them like your friends. Uh, क्वेश्चन फर्स्ट डॉक्टर हु डू स्पेशल एडवांस्ड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव स्पेशल टर्म डॉक्टर को क्या कहते हैं जो विशेष बीसेस, विशेषज्ञ होते हैं इसको तज्ञ भी बोला, बोला जाता है स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है वो किस चीज़ का इलाज करते हैं किस चीज़ के बारे में मेडिसिन uh, देते हैं या उसका इलाज करते हैं इन योर ग्रुप ट्राई टू मैच द स्पेशलिस्ट डॉक्टर विथ हु वाट दे ट्रीट वो क्या और कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं जैसे स्पेशलिस्ट हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है डेंटिस्ट जो नहीं जो दाँत के डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है वो किसका करते हैं अब इसका जोड़ी मिलाना है इसके साथ टीथ का टीथ का करते हैं दूसरा है, है कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट किसका करते हैं हर्ट का हर्ट से संबंधित जो बीमारी होती है उसका इलाज जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट आपलॉजिस्ट ये किसका करता है ये करता है आई का आँख का इलाज करता है आँख का स्पेशलिस्ट को आपथलमेलोजिस्ट कहते हैं आर्थोपेडिक आर्थोपेडिक होता है हड्डी का डॉक्टर बोन्स बोन का पीडियाट्रिशियंस ये होते हैं स्मॉल किड्स छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको पीडियाट्रिशियन कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ब्रेन विथ स्पाइन ब्रेन विथ स्पाइन, उसका इलाज करता है एंड वेटेरिनेरियन वेटनेरियन जो होता है वो एनिमल आर या बर्ड्स का इलाज करता है उसकी जोड़ी भी यहाँ लगाया गया है पहले के साथ डी का पहला के साथ डी यहाँ भी देखिए ये पहला है उसके साथ ये डी इस तरह से यहाँ जोड़ी लगाई गई है टू के साथ जी और थ्री के साथ एफ ए फोर के साथ ए फाइव सी सिक्स का बी और सेवन का ए सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वाई पेडिटेशन एंड वेटनेरियन हैव अ टफर जॉब टू डायग्नोज दियर पेशेंट्स इलनेस इस प्रश्न को थोड़ा हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंस रीजन ऑफिटियन एंड वेटेनेरियस टफर जॉब डायग्नोस यर पेशेंट बाल रोग जीवि सेक्शन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं तथा जो पशु चिकित्सकों के लिए अपने मरीजों की बीमारियों का निदान करना कठिन क्यों होता है कारण लिखो उसका कारण अपने आप समझो क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं बच्चे छोटे बच्चे अपने बारे में उनको क्या तकलीफ है बता नहीं पाते और जो जानवर होता है वो भी बोल नहीं पाता ये है तो उसको उसका उत्तर हम आगे देखते हैं द पीडियाट्रिशियंस एंड वेटनेरियंस हैव अ टफर जॉब टू डायग्नोज दियर पेशेंट किड्स एंड एनिमल्स मेनली बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक एंड टेल एनी थिंग अबाउट योर इलनेस दिस डॉक्टर टू हैव कीनली ऑब्जर्व द चेंज इन दियर बिहेवियरल पैटर्न हैंडल दम विथ ग्रेट केयर एंड एग्जाम इन दैम विथ ग्रेट डिफिकल्टीज द वेट वेट ये होता है यहाँ पर देखिए लिखा है वेट अ शार्ट फार्म ऑफ द वेटनेरियन ए डॉक्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स जिसका उसको वेट बोलते हैं अब शुरुआत करते हैं अपने पार्ट की टू बी ए सक्सेसफुल एंड कम्पिटेंट वेट नीड नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड एक सफल और पशु चिकित्सक सक्षम पशु चिकित्सक बनने के लिए बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है फॉर ईच ऑफ द पेशेंट ही इज लाइकली टू गेट प्रोसेज प्रोसेजेस आर डिफिकल्ट डिफरेंट इनसाइड प्रत्येक रोगी के लिए उससे मिलने की संभावना अलग होती है डिफरेंट इन He must know why the cat is refusing her milk. अब बिल्ली दूध पीना मना कर दी तो उसे पता होना चाहिए कि बिल्ली अगर दूध नहीं पी रही है वाई द डॉग इज़ नॉट ईटिंग इज बोन और डॉग जो है खाना नहीं खा रहा है हड्डी नहीं चबा रहा है उसका जो खाना है कहने का मतलब जो कैट है और डाग है अपना जो भोजन है उसको नहीं ले रहा है तो ये पता होना चाहिए कि वाई दर्ट ऑफ द हॉर्स इज नॉट साइनिंग लाइक सिल्क य घोड़े का कोट क्यों चमक नहीं रहा है रेशम की तरह वाई द पैरट डज नथिंग बट ग्रोम तोता कराह के सिवा कुछ नहीं कर रहा है वाई द डक एंड द चिकन आर फेलिंग टू ले और बतख और मुर्गियाँ क्यों आधार विफल हो रही हैं वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स एंड कैनरी पक्षी इतना बेहोश क्यों गाता है एन इफ़ ही कारू द जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स और अगर उसे चिड़ियाघर में बुलाया जाए तो उसे क्या कहना चाहिए चीज़ों की ये अविश्वसनीय श्रृंखला अविश्वसनीय इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स मतलब ये अविश्वसनीय संख्या क्यों हो रही है अगर इफ़ द लाइन कार्ट कोल्ड शेर को ठंडी अगर लग रही है इफ़ द जेब्राज गेटिंग ओल्ड जेब्रा जैसे बूढ़ा हो रहा है अगर इफ देंटीपीड हैज स्ट्रवल विथ हीज फीट और सिंटीपीड को अपने पैरों में परेशानी है तो इफ द हिपो फीलिंग इल और हिपो बीमार महसूस कर रहा है इफ द बाइसंस गॉट ए चिल और बायसन को ठंड लग रही है इफ समर्चुअलेंट डिजीज अब इसमें किसी बीमारी से पीड़ित है हैज़ अटैक दटैक द चिमपैजीज चिपैजी जो है चिमपैजी पर हमला कर दिया गया है पर हमला किया है इफ द टोटॉयज हैज़ स्टायड फॉर सेवरल ईयर्स और बचुआ गछुआ जो कछुआ होता है टॉटॉयज कई सालों तक हिलडुल नहीं रहा है कुछ दिनों से एक जगह चुपचाप पड़ा हुआ है द बियर्स टू फूल ऑफ बंस अगर भालू बंस से भरा पड़ा हुआ है यदि इफ द कोबरा ईट हर सन्स और कोबरा अपने बच्चों को ही खा जा रहा है यदि इफ द पांथर हैज़ वाइफ हु चीव्स हिज ईयरस तेंदुए की जो पत्नी है उसकी कान को चबाती हो इफ़ जीराफ सैब हैड अ टिफ़ और जिराफ का झगड़ा हुआ है और एन डियर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ और जिराफ की गर्दन में अकड़न महसूस हो रही है तो इफ आइनाज विल नॉट लाफ एड कीपर्स जोक और अगर लकड़बग्घा रखवालों के चुटकुलों पर नहीं हंसता इफ द मैंकीज पिंच द हिस्टल और बंदर अपनी पूंछ की चुटकी ली है और इफ द राइनोज लुकिंग पहले और यदि राइनो पीला दिख रहा है ये ये जो है पीला कर इफ द एलिफेंट ईट पेपर बैग्स एंड चॉक्स और एलिफेंट जो है पेपर बैग को खा रहा है और उसका गला दबाता है इफ द कैमल हर्ट हिज झम्प और उसका जो हम्प है कैमल ऊंट जो है उसकी जो कुबड़ है उसको चोट पहुंचाता है इध द कंगारू ओन जंप और कंगारू जंप नहीं कर रहा है इध क्रोकोडाइल टर्न कैनिबल एंड बाइट्स और अगर मक, मगरमक्छ नरभक्षी बन जाए और काट ली कैनिबल यानी नरभक्षी एंड बाइट मैंने काट ली दे रैन अवे एंड गेट और वो भाग जाते हैं और प्राप्त करते हैं क्या द ओमनिसेंट दैट तो वह सर्वज्ञ है पशु चिकित्सक जो कि उम्मीद करता है एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग इज़ टू राइट और वो समझता है एक जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो समझता है कि हाँ ये सब ठीक है उन उनकी इस उनके व्यवहार के इस परिवर्तन को अगर वो समझता है तो प्राउड प्रोफाउंडली आई पी टी द वेट हु मस्ट लर्न मुझे पशु चिकित्सक पर बहुत दया आती है जिसे सीखना चाहिए कि सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे और इसने इसके वेतन के लिए इतना बड़ा सौदा किया है माय सन मेरे बेटे आई एडवाइज़ यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एन ईजियर वे तो मेरे बेटे मैं आपको सबसे दृशा से कमाने की सलाह देता हूँ आपका जीवन एक आसान तरीका है डोंट अटैम्प्ट टू अटेंड डोंट अटैम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड फॉर मोर एडवाइजेबल प्लान जोलॉजिकल भीड़ में शामिल होने का प्रयास न करें अ मोर एडवाइजेबल प्लान यह कहीं अजीब उचित योजना है ए टू कॉल योर सेल्फ अपने डॉक्टर को बुलाओ यदि आपको डॉक्टर कहना है इसलिए अनुमति दी जाए एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ माइंड तो मनुष्य की बीमारी का आ, अनुमान लगाइए और मनुष्य की बीमारी करिए अगर आपको यह सब पता नहीं है तो आप मनुष्य की बीमारी की के इलाज करिए क्योंकि मनुष्य जो है बता देगा आपको कि उसको क्या तकलीफ है तो इसलिए आपको ये सब चीज़ सीखना है कि ये जो अलग तरह का व्यवहार जानवर करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं और आप उनका इलाज कैसे करेंगे थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो